हेलो एवरीवन, अभी हम दो तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले दो टर्म्स आती हैं एग्जेम्पशन और डिडक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि हम डे टू डे लैंग्वेज में जैसे बोल रहे होते हैं, या आप बहुत से लोगों को समझोगे, तो वहां पे ना एग्जेम्पशन और डिडक्शन में दोनों में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, मतलब दोनों को सेम सेंस में बोलते हैं। और इवन जब मैं भी आपको बताऊंगा तो हो सकता है पढ़ाते हुए कहीं पर कोई पॉइंट आता है सो मैं भी इंटरचेंजेबली इसको यूज कर दूं, ओके है, बट टेक्निकली किसका क्या मतलब है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जेम्पशन है सेक्शन 10, डील्स विद इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये वो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे ना टैक्स लगता ही नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट है, मना कर रखा है, इसको छोड़ दिया, बचा दिया। सो ये कौन सी चीज है जिसके ऊपर टैक्स कवर ही नहीं हुआ। डिडक्शन होता है, ये नॉर्मली सेक्शंस है 83 से लेकर 80 होता है, सेक्शन वाइज इसको याद करेंगे क्योंकि डिडक्शन के सेक्शंस पता होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डील्स विद डिडक्शंस एसएससी नीड टू क्लेम, ये ना डिडक्शन है डिडक्ट करने के लिए कि नॉर्मल इनकम में से हम इसको माइनस कर देते हैं। जैसे हो सकता है आपने सुना होगा कि LIC कराने से ना उसके पैसे टैक्स बचता है, या फिर 5 साल की FD कराने से टैक्स बचता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कभी आपके ट्यूशन फीस का भी इस कॉन्सेप्ट समझेंगे, मतलब स्कूल फीस होती है वैसे तो वो भी अगर आपने सुना हो कि उससे टैक्स बचता है। तो डिडक्शंस क्या होती है, यहाँ पे ना जो नॉर्मल इनकम है आपकी उसमें छूट दे देते हैं। जैसे मेरी इनकम हो गई फॉर से 7 लाख रुपीज साल की, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने मुझे ऑप्शंस दिए हैं, मैं डिडक्शंस ले लेके ना अपनी इनकम को कम कर दूंगा और कम करके क्या इसको 5 लाख दिखा दूंगा, या फिर मैं हो सकता है उसके हिसाब से फिर टैक्स पे करूँ, टैक्स अप्लीकेबल होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं। तो ये ना गवर्नमेंट ने मुझे अलाउ कर रखा है लीगली, ऐसा नहीं इलीगली मैं उसको कम दिखा रहा हूँ, लीगली गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करते हो ना, अगर मतलब ये ऑप्शन है आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट पे होती है, खर्च करने पे होती है, आपने पैसे को अगर ऐसे यूज करा तो हम उसका ना आपको टैक्स की माफी कर देंगे उतने अमाउंट पे, तो उतने पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये होती है डिडक्शन। तो बस समझ में आया, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं, तो वो इनकम के ऊपर ही टैक्स नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर पे अगर होता है तो उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, तो उसमें से माफी लेने की या कुछ डिडक्शन करने की तो कोई बात ही नहीं हुई ना, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है तो कम क्या करोगे। डिडक्शन होता है जब आपकी कोई टैक्स इनकम है, कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे LIC इंश्योरेंस में कहता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, LIC तो कंपनी हो गई, किसी और कंपनी का भी आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो, तो किसी अपना आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर आपने FD कराई है फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टाइम, तो उस तरह से आप करोगे तो आपको माफी मिलती चलेगी, डिडक्शन हो जाएगा, इनकम में आपको कम करते चले जाएंगे। क्लियर है दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी ना आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये एज अ जब आप इनकम टैक्स में वर्क करोगे तो ये टर्म्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे किसी भी चीज में। चाहे वो अगर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट रिगार्डिंग पता है तो ओके, नहीं पता है तो टेंशन मत लेना। जैसे हम ट्रेडिंग PL बनाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है, तो हमेशा किसी भी चीज में ग्रॉस प्राइस भी होता है कई बार और नेट प्राइस होता है, तो इस तरह से होता है। सो ग्रॉस होता है मतलब टोटल प्योर, जिसमें से अभी हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करी, कुछ भी माइनस नहीं करा है। नेट आता है जो फाइनल निकल गया है, जिसमें से जो माइनस करना था वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ ग्रॉस इनकम, मेरी 7 लाख की इनकम है, सो दैट्स माय ग्रॉस इनकम, कि सीधे सीधे मेरे पास ना 7 लाख रुपए आ गया, वो मेरी क्या है, ग्रॉस इनकम है। अब उसमें ना मैंने क्या करा, लाइक 1 लाख रुपए की FD करा दी, सो अभी इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, पढ़ा ना हमने पूरा डिटेल में, देखेंगे किस चीज की कितनी डिडक्शन मिलती है वो सब पढ़ेंगे। सो डिडक्शन मिल जाएगी, तो अभी मेरे लिए एक्चुअल जो टैक्सेबल इनकम होगी जिसके ऊपर मैं टैक्स करूंगा, जो फाइनल इनकम होगी वो कितनी होगी, 7 - 1 = 6 लाख। सो ग्रॉस और नेट दोनों में फर्क है, मेरे पास जो टैक्स लगेगा एक्चुअल में मुझे टैक्स पे करना है, वो ग्रॉस के ऊपर पे नहीं करना होता, नेट के ऊपर पे करना होता है, ठीक है। सो मुझे नेट इनकम के ऊपर अपना जो भी टैक्सेबल इनकम हो जाती है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता, क्लियर। यहां तक एक टर्मिनोलॉजी, एक मतलब एक कंसेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ द टोटल इनकम एंड टैक्स। अब कोई भी इनकम है आपकी या कोई भी टैक्स है उसको ना हम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीज कर देते हैं। मतलब जैसे कि आपका क्या हुआ, आपकी इनकम हुई है 7,500,333 रुपीज, ठीक है, मतलब लास्ट में ना 3 रुपीज आया। सो इसको क्या करोगे, राउंड ऑफ कर दोगे नियरेस्ट 10 पे, मतलब इसको 30 कर दोगे आप।
सो इनकम को जो भी है नियरेस्ट, नियरेस्ट में क्या होता है अगर लास्ट में 1, 2, 3, 4 है तो उसको पहले ले जाओगे, जैसे आपका हो गया 31, 32, 33, 34 कुछ भी है तो इसको क्या मान के चलोगे राउंड ऑफ किधर करोगे बैक साइड में 30 पे ले जाओगे। अगर 35 हो गई तो अब आगे वाले पे 10 पे लेके जाओगे 40 पे लेके जाओगे, 36, 37, 38, 39 को किस तरफ राउंड करोगे 40 पे। सो इस तरह से चलता है, मतलब पता है ना राउंड ऑफ नियरेस्ट वाला, शुरू के 4 को पीछे ले जाते हैं और बाद की जो अगर 5 या अबव होता है तो उसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाके राउंड करते हो। इनकम है तो भी और टैक्स है तो भी आपको नियरेस्ट में करना होगा। अगर कभी आपके पास ऐसा हो ना कि टैक्स आई है, आपके क्लाइंट का टैक्स आए और टैक्स ऐसा आ रहा है 417, तो गवर्नमेंट को आपको 420 पे करना पड़ेगा। अभी वो सामने ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो 3 रुपए के ऊपर भी करते हैं, सर इसमें तो टैक्स इतना लिखा हुआ था आपने फिर ज्यादा क्यों पे कराया, तो वैसे तो उसमें फाइनल अमाउंट आ जाती है तो वहां पे इतना किसी को समझ में नहीं आता कि भाई 3 रुपए राउंड ऑफ हुए हैं क्या हुआ, उसको फाइनल अमाउंट दिखती है। बट कभी कभी हो जाता है कि सर 3 रुपए एक्स्ट्रा क्यों, मेरे तो कैलकुलेशन 3 रुपए कम की आ रही है, तो ठीक है 4-5 रुपए का आपके ऊपर नीचे का फर्क हो सकता है। अगर गवर्नमेंट को कभी फायदा कभी नुकसान तो वो एक कैलकुलेशन वाइज पैसे हो गए या फिर इस तरह के हो गए तो 10 रुपए के राउंड में ही सारी सेटलमेंट अपनी कर दे। क्लियर है? तो जब भी कोई अगर एग्जैक्ट आपसे टैक्स पूछे, आप कहीं एग्जामिनेशन में ले रहे हो या कोई आपसे टेक्निकली आपका टेस्ट कर रहा है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें हमेशा जो फाइनल टैक्स टैक्स की अमाउंट आएगी ना उसको नियरेस्ट 10 करना मत भूलना, फाइनल अमाउंट को लिख देना बाद में जैसे कभी भी हो कि भाई नियरेस्ट करके आंसर देंगे, वो हमारा एक्चुअल जो पे होगा वो नियरेस्ट 10 में होगा। ठीक है, सो एक अमाउंट बोलता हूं मैं, आप मुझे बता रहा क्या होगा, अमाउंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 573 का आपको टैक्स कैलकुलेट होके आया, कितना पे करोगे 573 को पीछे ले जाऊंगा, आपका आया है 987 कितना पे करोगे 990, क्योंकि 7 वाली रेंज में आ गया ना तो आगे वाले नियरेस्ट पे। सिंपल सा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्स रेट के बारे में समझेंगे, किसके ऊपर टैक्स होता है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मजेदार वाली चीज है जिसके ऊपर सारा हमारा इनकम टैक्स का मैटर करता है। ठीक है, सो इसको तो बहुत अच्छे से और ज्यादा ध्यान से समझना है, तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, नोट्स आपके पास अपलोड है ना, सो नोट्स को आप देखिए, वहां से एप्लीकेशन में नोट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से ना इसको पहले ही नोट डाउन करके रख लेना, सो देट कल आपको दिक्कत ना हो, कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो मैं वहीं आप नोटिंग कर सकते हो। ठीक है, सो वहां से इसको पहले नोट करके रख लेना नेक्स्ट वीडियो से पहले, फिर नेक्स्ट वीडियो में लिखने की आपको टेंशन नहीं होगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।